इंदौर नायता मुंडला अमलतास परसर मल्टी में झंडा वंदन के दौरान भारत माता की जयकारे लगा रहे रहवासियों पर वर्ग विशेष के कुछ लोगों ने भारत विरोधी नारे लगाते हुए पत्थर बरसाए और धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिससे भगदड़ मच गई। वर्ग विशेष द्वारा परिसर में खड़ी कार और मोटरसाइकिल तोड़फोड़ की गई। यह घटना शहर में आग की तरह फैल गई। मौके पर कई हिंदू संगठन पहुंचे और दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। खबर लगते ही एसपी आशुतोष बागड़ी, एडिशनल एसपी शशिकांत कनकरे, थाना तेजाजी नगर पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर पथराव करने वालों के खिलाफ बलवे सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया। वहीं फुटेज के आधार पर पुलिस आगे जांच कर रही है। तेजाजी नगर पुलिस के द्वारा वर्ग विशेष के 17 लोगों के खिलाफ नाम दर्ज एफआईआर दर्ज कर चुकी है। 17 लोगों के खिलाफ नाम दर्ज एफआईआर दर्ज करी। नायता मुंडला में अपने आवास उसमें मल्टी हाउस के अंदर अपने कुछ हिंदू परिवारों आज 15 अगस्त पर झंडा वंदन का कार्यक्रम कर रहे थे, जिस पर भारत माता की जय और जय जय श्याम के नारे लगने पर कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उन पर मल्टी हाउस से पथराव किया और नीचे आप विरोध करा उनका आके, और जो झंडा का भी उन्होंने अपमान किया, जिसने भारत माता की मूर्ति को खंडित किया, तस्वीर को, और उनके साथ में तलवारों चाकुओं से प्राणघातक हमले करे। इसमें एक हिंदू परिवार का अपना कार्यकर्ता है, वो भी अस्पताल में भर्ती है, उसका इलाज चल रहा है, वो महिला को भी डंडों से पीटा। इन लोगों की जिहादी पहने लगातार इंदौर शहर में बढ़ती जा रही है। ये लोग एक समय में हर वर्ष की तरह देखें तो हर वर्ष में कोई ना कोई असामाजिक तत्व शहर में शांति बनाना कार्यक्रम करते हैं। 2013 में भी इन्होंने राखी के आसपास चंदन नगर में दंगा किया, और आज भी देखे जाए तो इन्होंने बम्बई बिहार में भी कुछ वाल्मीकि समाज के परिवारों पे हिंदू बहन बेटियों को और नाबालिग बच्चियों के साथ में असली हरकत करी, उनके साथ में मौके पर हमला किया। और इसके पहले भी एक दिन पूर्व आप इमाम बाड़ा राजबाड़ा के पास में एक हिंदू परिवार कपड़ा खरीदने के लिए निकला, तो इन लोगों ने 15-20 लोगों ने उस परदेशों पर परिवार जो हिंदू परिवार उनके ऊपर भी इन्होंने हमला किया, जिसकी एमजी रोड थाने पे इनकी एफ आई आर दर्ज करी। लगातार ये तीसरी घटना है इंदौर शहर में, और ये लोग अभी भी जिहादी पन्ने नहीं कर रहे हैं। इंदौर शहर में बहुत बड़ी घटनाओं को अंजाम देने का इनका इस प्रकार का कार्य दिख रहा है। मेरा प्रशासन और राज्य सरकार से निवेदन है कि इन पर कठोर से कठोर कार्रवाई करें और ऐसा कानून लाए जिससे इनके जो आतंक है, ये इंदौर से और मध्य प्रदेश जो आतंक मनाए जाते हैं, उन आतंक पे इनकी रोक लगे।